बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट राना अमजद अली खान एडवोकेट, और इस वक्त मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास बैठा हुआ हूँ हमारे स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की, और कामयाबियाँ भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो जो नौजवान नस्ल को छोटे बच्चों की माइंड सेटिंग करते हैं, माइंड चेंज करते हैं, उस सेक्टर में इन्होंने जो है वो सक्सेस हासिल की। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा नाम दिया। मेरी मुराद जो है शेख अरशद अटारा साहब हैं, जो इस हवाले से कामयाब शख्सियत है, पूरे पाकिस्तान में बड़े फेमस एजुकेशनिस्ट हैं। अटारा साहब, ये बताइए कि आप एजुकेशन सेक्टर में कब आए, किस एज में आए, और कैसे जो है आपने मतलब जो है ना यहाँ पर जो है वर्किंग स्टार्ट की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो हम सबका खालिक व मालिक है, और उसके सबसे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, जिनके वास्ते सारी कायनात को खलक किया गया। सबसे पहले तो राना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया। दुआ है कि अल्लाह आपको सोसाइटी को बेहतरीन तरीके से सर्व करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो सबसे पहले तो रब ताला की अनायत है कि वो किसी इंसान को चुनता है किसी काम के लिए, किसी मिशन के लिए। तो मैं भी अपने बचपन से ही एक ऐसा सोच रखने वाला बच्चा था कि जी सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ ज़्यादा करना चाहिए। तो जैसे वो सियाने कहते हैं कि किसी वक्त की कही हुई बात जो ना वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। मैं भी अपने केस में ऐसा ही समझता हूँ कि जो मेरी थिंकिंग थी बचपन में कि जी मैं माशरे के लिए बेहतर कर सकूँ, या मुझे अपने गांव में, अपने इलाके में जो बहुत सारे ऐसे बच्चे नज़र आते थे जो स्कूल में नहीं जाते थे, उनको देख के मैं बहुत परेशान होता था। सोचता था कि अच्छा अल्लाह मियाँ मुझे तौफीक देना, मैं इनको मैं पढ़ाऊँगा ना। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। उसके साथ साथ ये था कि जैसे कि बहुत सारे नौजवान सोचते हैं मैट्रिक में जाके, बहुत सारे सोचते हैं, बहुत थोड़े हैं जो नहीं सोचते उनको भी सोचना चाहिए कि आपकी जो एजुकेशन है वो टिल मैट्रिक ज़रूर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। आफ्टर मैट्रिकुलेशन लाजमी आपको चाहिए कि आप खुद आप सेल्फ सपोर्ट आपकी होनी चाहिए। जैसे आप इससे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अपनी स्टडी खुद सपोर्ट करें और साथ साथ फैमिली को भी सपोर्ट करें। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही सोच थी कि हाँ जी ठीक है, मैट्रिक हो गया तो अब नेक्स्ट मुझे अपनी स्टडी को खुद लेके चलना है। एक तरफ मेरी बचपन की सोच थी कि मैं सर्व करूँ, मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँ। दूसरी तरफ जैसे बड़ा हुआ तो फिर ये सोचा कि हाँ जी मुझे अपनी एजुकेशन को, अपने आप को खुद से इंडिपेंडेंटली लेके चलना चाहिए। तो ये एक मेरी वो इनिशियल सोच थी, थिंकिंग थी कि हाँ जी ये होना चाहिए। फिर इस तरीके से आप कह लें कि बाकी भी आप कह लें कुछ डिटेल्स इस तरीके से आती हैं कि जब मैंने 1998 में आई वाज जस्ट मैट्रिक, और मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो चूंकि बचपन की एक सोच साथ थी, दोनों को मिक्स किया, तो मैं अपने मेरे कुछ सादे मोहतरम हैं, उनके मशवरे से, उनकी राय से मैं एजुकेशन सेक्टर को मैंने ज्वाइन किया। तो 1998 माय फर्स्ट ईयर, जैसे मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया, मैंने एजुकेशन में कदम रखा, एज ए एजुकेशनिस्ट पहला स्कूल स्टार्ट किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आप कह लें कि आफ्टर 24 ईयर्स पंजाब के 6-7 सिटीज़ में अपनी जो चेन्स हैं, अपने जो स्कूल्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अच्छा, आपने 1998 में डॉक्टर साहब जो है वो काम किया, तो अब उतनी एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन से आपके इदारे हैं जो सर्व कर रहे हैं इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है? और सुना कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उसके बारे में, उसकी सर्विंग के हवाले से जो है थोड़ा सा बताएं हमारे दोस्तों को। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे फिर काम करते गए, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। बहुत सारे मेरे जो टीम के, अल्लाह ने मुझे बड़ी अच्छी टीम दी, मेरे जो मैनेजमेंट के लोग, मेरी टीम के लोग, मेरे उस्ताज़ इकराम साहब की भरपूर मेहनत से इदारे को अल्लाह ने बहुत तेज़ी से कामयाबी से नवाजा। तो आज आप कह लें कि ड्रीमलैंड इंटरनेशनल स्कूल्स के नाम से जो अपनी चेन है, एसएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के नाम से जो अपनी चेन है, जो डिफरेंट सिटीज़ में अपनी ब्रांचेज हैं, और कोई राउंड अबाउट 15,000 प्लस के करीब अपने स्टूडेंट्स बनते हैं। चूंकि इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे मसाइल थे, तो वक्त के साथ साथ इस तरफ भी टाइम देना पड़ा कि जी प्राइवेट सेक्टर के जो मसाइल हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दीगर इदारों की तरफ से,
तो उनको कैसे हमने हैंडल करना है। तो मैंने ज़ाहिर एसोसिएशन को ज्वाइन किया, फिर बड़ी तेज़ी से अल्लाह ने मुझे एसोसिएशन में भी मैंने ग्रो किया। तो आज प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन PSA का मैं मरकजी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सी अचीवमेंट्स लिए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे मसाइल का सामना था। तो मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ मुज़ाकरात के थ्रू, मुख्तलिफ आप कह लें कि एहतजाज के थ्रू, हमने जो प्राइवेट सेक्टर को मसाइल थे वो मिनिमाइज़ किए हैं, अभी ख़त्म तो नहीं हुए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो कि पाकिस्तान के अंदर आप कह लें गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह तो दीगर मसाइल भी ख़त्म होंगे तो ये और ग्रो करेगा इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ और हमें, हमारे नाज़रीन को, हमें हमारे दोस्तों को बताइए कि एक शख्स जो है वो स्कूल है उसका है और वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है कि वो पार्टनर बन जाए? जी बिल्कुल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन गाहे बगाहे जब बजट के हिसाब से वो ऐड देते हैं मुख्तलिफ बड़े पंजाब के बड़े पाकिस्तान के बड़े अखबारात में, इवन उनकी वेबसाइट पे भी उनका फौरी तौर पे वो ऐड आ जाता है। जैसे वो ऐड आता है तो फिर बाकायदा आप एप्लीकेशन का एक प्रोसेस होता है कि आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, उसके एक माइनर सी फी चार्जेस भी हैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाने, बनाम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। उसके बाद आपको बाकायदा की डेट मिलेगी, जी फलां डेट को सारे पंजाब के स्कूल्स का टेस्ट होगा। बड़ा एक साफ शफाफ जो एक प्रोसीजर है, उस टेस्ट में जो स्कूल क्वालिफाइड करते हैं तो फिर उनका एक फाइनल विजिट होता है। उस विजिट के बाद जो स्कूल फाइनल होते हैं तो फिर उनके साथ बाकायदा एक रूल एंड रेगुलेशंस के तहत एग्रीमेंट होता है। तो इस तरीके से एक स्कूल जो ना वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की अडॉप्शन में आता है अलहाक होता है। शेख साहब, आप ये बताइए कि जो आपने जो बेसिक लेवल से बच्चों को लेकर जो एजुकेट कर रहे हैं, तो एक नौजवान जो है उसको कैसी, किस माइंडसेट के साथ जो है वो एजुकेशन हासिल करेगी, क्या उसको मतलब जेहन में रहते हैं कि आपने भी एजुकेशन हासिल की और आगे भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या उनके जहनों में हमें डालना है कि ताकि वो अपने टारगेट को जो है वो मीट कर सके? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो भी हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको स्टार्ट पे ही एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए उस्ताद, एज ए मुअल्लिम, हर हम में से हर जो जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, उन सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके जहनों में ये बात डाली जाए कि बेटा आप लोगों ने ग्रो करना, आपने आगे बढ़ना है, आपने किसी मकाम पर पहुँचना है ना। और इसी तरीके से जो हमारे नौजवान हैं उनको भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि जी मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि मोहम्मद बिन कासम 17 साल की उम्र में बरसगीर को फतह कर लेता है, आज का जो हमारा 17 साल का बच्चा है वो अपनी मामा को साथ लेके कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है कि हमारा आज का जो नौजवान है वो 16-17 साल की उम्र में बच्चा है, वो अपने माँ बाप के बगैर चल नहीं सकता, उधर मोहम्मद बिन कासम जो हमारा इस्लाम का हीरो है 17 साल की उम्र में इतना बड़ा मार्ग का सर अंजाम दे देता है। तो ये एक जो थिंकिंग अप्रोच है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें मैं समझता हूँ साजा इकराम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, वालदैन को भी करना चाहिए, और इवन बच्चों को, नौजवानों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जी मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा कल क्या है। वही लोग भरपूर तरीके से ग्रो करते हैं जिनकी कोई अप्रोच होती है, जिनकी कोई सोच होती है। तो जल्दी से, जितनी जल्दी भी हमारी जो जनरेशन है वो अपनी सोच को बड़ा करेगी, उतनी ही तेज़ी के साथ वो ग्रो करेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आज के बच्चों को ये बात समझनी चाहिए, जैसे मैंने स्टार्ट पे बात की कि जी हम जैसे ही मैट्रिक में आते हैं तो हमें फंडेड चाइल्ड नहीं रहना चाहिए, हमें खुद अपने लिए जो एक्सपेंस है जो जनरेट करने चाहिए कि हाँ जी मैं अपनी स्टडी को, अपने आप को सेल्फ सपोर्टिंग की तरफ जाऊँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाऊँ। जब बच्चा इसी एज में, बच्चे की अगर ये सोच बनेगी तो वो बच्चा लाजमी तौर पे कल को सोसाइटी में एक बड़ा नाम बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आप 24 ईयर से जो एजुकेशन सेक्टर से सर्व कर रहे हैं, तो इन 24 सालों में आपने क्या कोई नई चीज़ अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐड की है, अगर ऐड की है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल राना साहब, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि आपने हमेशा हमने सुनी है, पढ़ी है, बच्चों को बताते हैं कि जी नेक नीयत और मंजिल आसान। तो सबसे पहले तो आप एजुकेशन सेक्टर में या आप किसी भी सेक्टर में हैं,
आपकी नीयत हमेशा नेक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपकी नीयत हमेशा रहनी चाहिए कि जी मैंने सोसाइटी को सर्व करना है, मैंने अपने माशरे को की खिदमत करनी है, मैंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। तो जब आपकी नीयत ये होगी तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारे आइडियाज़ देगा, बहुत सारी सोच देगा, जिसको लेके जिस पे इम्प्लीमेंट करके इंशाल्लाह आप ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर सकते हैं। मैं अगर बात करूँ इन 24 साल में, तो मैंने हमेशा हर आने वाले दिन के लिए सोचा है, प्लान किया है कि जी नए से नई टेक्निक सामने आने चाहिए, जो जदीद आप कह लें कि रिसर्च हैं उनको सामने रख के कि हम कैसे अच्छे तरीके से अपने इन बच्चों को, अपने इस जनरेशन को लेके चल सकते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वही इदारे ग्रो करते हैं जो हमेशा इनोवेटिंग प्रोसेस में रहते हैं, जो हमेशा इर्तकाई मरहले में रहते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि हर आने वाले दिन पे एक नई चीज़ सामने आनी चाहिए। और एजुकेशन सेक्टर में तो लाजमी इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई और इंडस्ट्री हो तो खैर वैसे तो हर इंडस्ट्री में ज़रूरत है कि वो अपने आप को मॉडर्न जो एरिया है, मॉडर्न जो आप कह लें वक्त आ रहा है, उसके मुताबिक अपने आप को बैलेंस रखे, हम आंग रखे, अगर नहीं रखेगा तो नुकसान में जाएगा। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे दुनिया में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उसके मुताबिक एजुकेशनिस्ट स्कूल्स अपने आप को उसके मुताबिक लेके चलें। तो हम भी गाहे बगाहे बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स लेके सामने आ रहे होते हैं। सपोज़ कि हमने अपने देखा कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, जो मदरसा कल्चर है वो उसको बड़ा आप कह लें कि डीफेम किया गया। मदरसों में एक ज़माना है कि बच्चे भेजना लोगों ने कुरान पढ़ने के लिए छोड़ दिया। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने सर्वे किया कि हमारे बच्चे जो 7, 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि रकातें कितनी हैं, किस नमाज की रकातें कितनी हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत सारे बच्चे जो कुरान नहीं पढ़ते थे स्कूल तो ज़रूर आ रहे थे। तो फिर अल्लाह की तौफीक से हमने कुरान महल का आइडिया जनरेट किया कि अब हमारी हर ब्रांच में कुरान महल है जहाँ पर हम बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ाते हैं और उसको इतनी दुआएँ इतना ज़रूर बताते हैं कि वो एक मुसलमान बन सके। मैं नहीं कहता कि वो आलमी दीन बन गया या बहुत उसके पास नॉलेज आ गया, बट वो एक बाअमल मुसलमान बन सके। तो कुरान महल में हमने नाजरा कुरान या इतनी चीज़ें ज़रूर बच्चों को सिखाते हैं कि जिससे वो अपने आप को बेहतर तरीके से दीन और दुनिया अपनी बना सके। उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि जी हमने जो प्लान किया या हम इस पर काम कर रहे हैं कि ना सिर्फ बच्चे को तालीम दी जाए बल्कि उसको तरबियत दी जाए, उसको शऊर दिया जाए। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया तो हमारा अपने सिस्टम में बड़ा ही फोकस रहता है। हमने बकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि उस प्रोग्राम के तहत हम बच्चे की जो करेक्टर बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है या उसको आप कह लें कि उसमें जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे या उसकी जो अप्रोच है, उसकी जो सोच है, उसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये बकायदा एक डिपार्टमेंट है ना। तो उसी डिपार्टमेंट में आप कह लें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम कहते हैं जी बच्चा कल को क्या बनना चाहता है। हम ये बात शुरू से प्लान कर देने लगे हैं कि हाँ जी बच्चा 4-5 में जाके उसको बता दें कि जी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने साइंटिस्ट बनना है, आपने एजुकेशनिस्ट बनना है। अब ये भी एक आपके लिए लंबी टेक्निक, अगर मैं इसमें ज़्यादा लंबी बात करूँ तो खुदा ने जब हमें ज़मीन पे भेजा है तो हमारे माइंड में वो चीज़ डाल दी गई कि जी आप में कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है। हम उस क्वालिटी को सर्च कर रहे हैं, उस क्वालिटी को सर्च करके देखते हैं कि इस बच्चे में कौन सी सलाहियत ज़्यादा है, उस सलाहियत के मुताबिक ये बकायदा आपके लिए 2-3 तरह के टेस्ट भी हैं। हम डिफाइन करते हैं कि हाँ ये बच्चा इसमें डॉक्टर बनने की अहलियत ज़्यादा है या क्रिकेटर बनने की, या आप कह लें कि एक मुसव्वर बनने की या एक डॉक्टर इंजीनियर बनने की। हम 5 क्लास में उस बच्चे को कहते हैं ये बच्चा डॉक्टर है तो उसका नाम डॉक्टर अमजद लिख देंगे, डॉक्टर अर्शद लिख देंगे, ठीक है। तो हम शुरू से उस बच्चे को टैगिंग करना चाह रहे हैं। आप देखिए बच्चा 5 में उसको बता दिया गया कि यू आर इंजीनियर, अब इंजीनियर अर्शद, इंजीनियर आसफ, इंजीनियर शहजाद, अब नाम उनका कॉल हो रहा है। तो 5वीं में 6वीं में 7वीं में टिल मैट्रिक 6 साल तक उसी नाम से उसको कॉल किया जा रहा है। तो जब भी आप मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब कहते हैं जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं वही हो जाते हैं। तो जब बच्चा दुनिया उसको कॉल करेगी और बच्चा वो सोचेगा तो गालिब यकीन है हमारा कि इंशाल्लाह बच्चा वही जाके कल को अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बनेगा। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ज़्यादा उसकी एक लंबी डिटेल है, सारी तो मैं छोटे से मुख्तसर से इंटरव्यू में सारी बातें आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हमारा जो हमेशा कोशिश रहती है कि हर आने वाले टाइम पे हम अपनी जनरेशन को
کچھ نیا دے سکیں. دوستو جی دوستو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ ارشد اٹارا صاحب جو ایجوکیشنسٹ ہیں اور چوبیس سال سے جو ہے وہ نیشن کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو ہے سر کر رہے ہیں. یہی باتیں آپ نے سنی دیکھا, ہوپ سو آپ کو یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آئے گا. ہم شیخ ارشد صاحب کے لیے بیسٹ ویشز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے سرفراز فرمائے اور یہ اور زیادہ لگن سے جذبے سے اور محنت سے جو کام کریں اور نیشن بلڈنگ میں اپنا جو ہے وہ رول ادا کریں. اگر یہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا. تھینک یو ویری much. Allah Hafiz. Thank you.